राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मिथुन लगन की चर्चा जारी है। लगन दोस्तों, आप फिर से समझ लें कि जो फर्स्ट भाव है, यहां पर अगर 3 लिखा है आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में, तो इसका मतलब आपका मिथुन लगन है। मिथुन लगन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जब लगन आपका इफेक्टिव होगा। आज मिथुन लगन के बाधा कारक घरों की चर्चा करेंगे कि मिथुन लगन में कौन पीछे धकेलने वाला सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों, मंगल, गुरु और सूर्य जनरली मिथुन लगन में अशुभ फल देते हैं। इन सब में मंगल 6ठे और 11वें भाव का स्वामी, 6th भाव और 11th भाव, इनका स्वामी मंगल घोर अनर्थकारी होता है। ये आपका सबसे अशुभ फल करने वाला ग्रह है मिथुन लगन में। 6ठा भाव दोस्तों, जैसे कि शत्रुओं, रोग, ऋण, दुर्घटना, चोरी, संघर्ष, लड़ाई, झगड़ा, हिंसा, लीगल कॉम्प्लिकेशंस, ननिहाल पक्ष, मामा आदि का विचार 6ठे भाव से किया जाता है। 11वां भाव आपकी आय का, आपकी इनकम, आपके बड़े भाई बहन, आपकी पिछले जन्म के पुण्य कर्म, वो आपकी पिंडलियाँ भी 11वें भाव से देखी जाती हैं। 6ठे से 6ठा होता है दोस्तों ये, तो रोगों का विचार भी किया जाता है इससे। और मंगल दोस्तों, नैसर्गिक रूप से नेचुरली ये आपके छोटे भाई बहनों से संबंध, ऐसी चोट जिसमें खून बहे या सर्जरी, जो कर्जे हैं उनका नैसर्गिक रूप से कारक होता है। किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़ा है, कोई भी हिंसा है, कोर्ट केसेज है, पुलिस थाने हैं, इन सब के लिए मंगल जिम्मेदार होता है। मंगल ये बताता है कि आप कितने साहसी हैं या आप कितने दुस्साहसी हैं। मंगल दोस्तों रक्त का कारक भी है, तो ये आपकी इम्यूनिटी, आपकी सुरक्षा तय करता है। मंगल इसीलिए रिश्तों का स्वामी भी होता है। आपके व्यवहार के निर्धारण में मंगल का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो दोस्तों, 6-11 भाव का स्वामी मंगल बुध का परम शत्रु है, मिथुन लगन के लिए सबसे ज़्यादा अशुभ फल देने वाला होता है, अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव है तो। दोस्तों, सबसे बड़ा बाधा कारक इस लगन के लिए मंगल बुध दोस्तों, जो आपका स्वामी है, तो थोड़ा सा चालाक लगन होता है ये, एक साथ कई काम करने की चाह रखते हैं। अगर मंगल नेगेटिव होगा दोस्तों, तो इसी चाहत में, जल्दी पैसा कमाने की चाहत में, मंगल आपको किसी षड्यंत्र में फंसवा देगा, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाने, लड़ाई झगड़ा करवा देगा, कर्जे के चक्कर में भी डाल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, बार बार ब्लड इन्फेक्शंस या बार बार चोट, दुर्घटना, ऐसी दुर्घटना जिनके अंदर खून बहे, वहाँ मंगल जिम्मेदार होता है। मंगल रिश्तों का भी स्वामी है, तो पैसे कमाने की रेस में ये आपको अकेला भी छोड़ सकता है, रिश्ते आपसे दूर हो जाते हैं। भाई से निभाना भी इसी मंगल के कारण आपके लिए मिथुन लगन में चुनौती होती है। दोस्तों, अगर मंगल का थोड़ा सा भी प्रभाव शुक्र पर हो, शुक्र जो कि आपके 12वें भाव और 5म भाव दोनों का स्वामी होता है, तो दोस्तों 2-3 अफेयर्स यानी कि भटकाव जरूर देगा, अगर मंगल इस लगन में शुक्र से किसी भी तरीके का संबंध बना ले। मंगल मिथुन लगन में जब भी अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा में आएगा, तो आपको पीछे धकेलेगा। मंगल को संतुलित करने के उपाय इस लगन में जरूर करने चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों? आप हर मंगलवार को या हर रोज़ सुबह श्री हनुमान जी, उनके चित्र के सामने बैठें, उन्हें गुड़ का भोग लगाएं और एक मुखी दीपक जलाएं। इसके बाद दोस्तों, आप श्रद्धा से एक बार हनुमान अष्टक का पाठ करें, संकट मोचन हनुमान अष्टक। इसके बाद दोस्तों, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का आप 10-15 मिनट जप करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें, गुड़ को प्रसाद के रूप में ले लें, मंगल आपका शुभ होना शुरू हो जाएगा। हर मंगलवार या नियमित रूप से भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, आपको नियमित रूप से अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुड़, लाल फल जैसे सेब, चीकू, अनार, मिट्टी के पात्र में इनको रख कर किसी छोटी हांडी में फिर किसी निर्धन को दान करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आप हर रोज़ हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या मंगल, शनि, बुधवार जब भी आप पढ़ना चाहें, पढ़कर भी मंगल को शुभ कर सकते हैं। मंगल का तांत्रिक मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भोमाय नमः, उसको भी जप सकते हैं। अनार का पौधा भी दोस्तों आप किसी सार्वजनिक स्थान पर, मंदिर, पार्क आदि में लगा कर उसकी देखभाल करें, तो भी मंगल शुभ होता है। दोस्तों, मिथुन लगन के लिए मंगल को संतुलित करना बहुत ज़रूरी है। मिथुन लगन में बुध सर्वोसर्वा है, बुध की मजबूती और मंगल को संतुलित करना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों के लिए मैंने आपको उपाय बताए हैं। ये उपाय दोस्तों आप बिना किसी कंसल्टेशन के, बिना किसी सलाह के कर सकते हैं। इन उपायों को कोई भी कर सकता है। मिथुन लगन के लिए ये विशेष फलदायी हैं।
फिर किसी अलग लगन के विवेचन के साथ आपसे फिर मिलूँगा। जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। राम राम।